बर्फ से लदे हुए पहाड़ बहुत व्हाइट व्हाइट हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन पे अभी अभी बर्फ पड़ के हटी हो। लेक पुकाकी किनारों पर है बर्फ के पहाड़। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने क्राइस्टचर्च वाले होटल में। तो हुकर वैली को हमने कर दी है अलविदा, काफी समय से यहाँ रुके हुए थे, एक दो जरूरी ईमेल करनी थी वो कर रहा था और अलविदा करके हम बैठ चुके हैं। अब जो हमारी रात की स्टे तो थी ग्लेन टेनर पार्क में जहाँ पे रात पे रुके थे, लेकिन क्या हुआ कि इस वैन में ना बच्चों के साथ बहुत मैसी हो जाता है। तो हमने क्या किया, जहाँ पे क्राइस्टचर्च एक बड़ा शहर है, क्योंकि जो जो हमने देखना था वो कवर कर लिया है, अब रात रुकने का कोई फायदा नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि रिफंड कर दीजिए, तो बोले कि रिफंड नहीं है, अगर कल 2 बजे से पहले बता दे तो रिफंड हो जाता, लेकिन अब कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, क्योंकि बच्चे ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। राजा रात को ठंड भी बहुत हो जाती है वहाँ पे और वैन जो है मैसी भी बहुत हो जाती है, हम स्लीप नहीं कर पा रहे थे इसमें रात को। तो जो क्राइस्टचर्च में हमने होटल बुक किया था, काफ़ी बड़ा क्राइस्टचर्च शहर है वो ना, वहाँ पर ही हमने एक रात का और फ़ोन किया और पूछ लिया। वो औरत जो थी वो बोली कि हाँ आ जाओ आप, तो हम जो क्राइस्टचर्च में होटल बुक किया है वहीं पे ही आप 3 रातें रहने वाले हैं। क्राइस्टचर्च जो है साउथ आइलैंड का सबसे बड़ा शहर है और पहले तो न्यूजीलैंड का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज सिटी होता था, अब वेलिंगटन है शायद ऑकलैंड के बाद, पर अर्थक्वेक के बाद बहुत से लोग यहाँ से मूव हो गए थे। आप देख लीजिए जाते जाते इस नाइस से व्यू तो कितना सुंदर है, ये देख लीजिए। और एक मौसम का अपना जादू होता है, और न्यूजीलैंड की जो विंटर है इसका तो कहना ही क्या। आज हम दिखाते हैं आपको न्यूजीलैंड में विंटर के जो रोड हैं या न्यूजीलैंड विंटर में कैसा दिखाई देता है, क्योंकि हम जो हैं विंटर वंडरलैंड में हैं, हम हैं माउंट कुक के एरिया में, माउंट ओराकी के एरिया में। तो आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है न्यूजीलैंड विंटर में, न्यूजीलैंड के रास्ते कैसे लगते हैं अगर स्नोफॉल हो जाए इन रास्तों पर। तो आपको ये रास्ते बर्फ़ से ढके हुए मिलते हैं, लेकिन अभी रिसेंट नहीं हुआ है कोई भी स्नोफॉल, दैट्स व्हाई जो आपको रास्ते हैं काफ़ी क्लीन नज़र आ रहे हैं। स्नो आपको थोड़ी थोड़ी दूर आपको दिखाई देगी, लेकिन पहाड़ तो आप कहें ही क्या, बर्फ़ से लदे हुए पहाड़ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और आपको रास्ते में 2 लेक्स आने वाली हैं, जिसे लेक पुकाकी और लेक टेकापू कहते हैं, वो भी आपको दिखाते चलेंगे। अगर आप न्यूजीलैंड में विंटर में ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आप स्नो चैन हमेशा साथ में लेकर चलें, क्योंकि स्नो चैन बहुत काम आती है। मैंने तो खरीद ली थी भाई आने से पहले ही, चाहे वैन हमारी रेंट की है, पर फिर भी स्नो चैन हमने खुद ही खरीद के रखी हुई हैं और जहाँ भी ट्रैवल करना होता है साथ में रखते हैं। और अपना जो शेड्यूल है वो टाइट ना रखें, हमेशा लीनियंट रहें। जैसे हमें होटल बदलना पड़ा तो हमने होटल बदल लिया, क्योंकि आज हम क्राइस्टचर्च जा रहे हैं, माउंट कुक में नहीं रुकेंगे। तो हमेशा लीनियंट रहें, अगर कोई चेंजेस करनी है तो पहले ही मन बना लें, क्योंकि स्नो पड़ने के बाद आप इस एरिया में स्टक भी हो सकते हैं। और अपनी गाड़ी में हमेशा कुछ खाने पीने का सामान रखें, और हमेशा अगर कोई आपके आगे गाड़ी जा रही है तो थोड़ा गैप बना के रखें, क्योंकि गाड़ी जो है ना यहाँ पे रोड पे आपको ब्लैक आइसकैबी भी मिल सकती है और फिसलन काफ़ी रहती है, तो स्लिप ना हो इसीलिए हमेशा दूसरी गाड़ी से गैप भी ज़रूरी है। जो है ना हमारा, वैसे तो सिर्फ 4 घंटे का ही है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी समय बचा है, लेकिन बच्चों के साथ हैं और इतने सुंदर रास्तों से जा रहे हैं, और जगह जगह हम रुकते जाएंगे, जहाँ भी हमें अच्छे अच्छे व्यू मिलेंगे हम कैप्चर करते चलेंगे। और क्योंकि हमने आज ही जो माउंट
हुकर वैली वाला जो ट्रैक था माउंट रॉकी में वो भी किया है, तो थोड़ी मेरे जो है ना बॉडी में टायर्डनेस भी है और जैस के भी बॉडी में टायर्डनेस है, तो हम जो है लगातार ड्राइविंग नहीं करने वाले, तो रुक रुक के जाने वाले हैं। और इन रास्तों का जो न्यूजीलैंड के विंटर में इतने सुंदर रास्ते हैं इनका पूरा इंजॉय करने वाले हैं। बस थोड़ा ही समय बचा है और हम जो है माउंट कुक के एरिए से निकल जाएंगे और आगे आने वाला है जो लेक पोकाकी है वो भी दिखाते हैं। और रास्ते में जगह जगह पे ना कहीं कहीं पे स्नो भी मिलती है, तो मैं भी वो भी दिखाऊंगा जैसे ही रास्ते में आएगी। तो आप एक बात बताइए दोस्तों, आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है? अगर आपको भी मज़ा आ रहा है, अगर आप भी घर बैठे इंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ न्यूजीलैंड घूम रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो फॉलो कर देना। ये देखिए स्नो आ गई जिसकी मैं बात कर रहा था, तो रास्ते में कहीं कहीं स्नो मिल जाती है। जो ना बिल्कुल सामने अब जो लेक पोकाकी दिखाई देने लगी है, ये काफ़ी बड़ी लेक है। हम जहाँ पे रात कैंप कर रहे थे वहाँ पे भी लेक पोकाकी थी और हम काफ़ी दूर आ गए हैं कैंप साइट से, तो यहाँ पे भी आपको लेक पोकाकी जो दिखाई दे रही है। और इसके बारे में बता दूँ, ये ना 178.7 किलोमीटर में फैली हुई है ये लेक, इतनी बड़ी लेक है लेक पोकाकी की मैं बात कर रहा हूँ। और 70 मीटर यानी कि 70 मीटर तक इसकी डेप्थ चली जाती है। ये देखिए कितनी गहरी लेक है, पर सच माने है बहुत ही सुंदर। जैसे ही आप दूसरे अगर उधर से आ रहे हैं तो दूसरी साइड आपको माउंट कुक के दर्शन भी हो जाते हैं, अगर दिन साफ हो। काफ़ी लंबी होने की वजह से सड़क के साथ साथ चलती है और बहुत ही खूबसूरत जो है रोड को बना देती है, जो आपकी रास्ते हैं ना उनको बहुत ही खूबसूरत बना देती है। और कहते हैं कि मैं पढ़ रहा था कल के, जो रास्ते हैं ना, जो आपका ट्रैवल है, जो आपकी जर्नी है, कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जीवन की हो चाहे घूमने फिरने की हो, क्योंकि मंजिल पे आप पहुंच गए तो समझ लीजिए आप पूरे हो जाते हैं। पूरे होने का मतलब तो आपको पता ही है कि क्या होता है। तो इसीलिए आप चाहे आपका जीवन है, चाहे आपके रास्ते हैं, ये चलते रहने चाहिए। ये देख लीजिए, ये है जी लेक पोकाकी। किनारों पर है बर्फ के पहाड़ और बहुत बड़ी है ये लेक पोकाकी, आप भी देख लीजिए। रात को हम आए थे तो दिखा नहीं सके थे, इसलिए वहाँ पे माउंट कुक है सामने, तो अब दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि एकदम से क्लाउड आ गए हैं। पहले दिखाई दे रहा था जब हम गाड़ी में बैठे हुए थे, तो चलो बढ़ते हैं आगे। क्या कहते हैं कि न्यूजीलैंड में सर्दियों में ना, मैं सर्च कर रहा था क्योंकि आते समय भी हमें ये कोहरा मिला था, आप भी देख लीजिए बाहर, और जाते समय भी जैसे ही हमने लेक पोकाकी का वो व्यू पॉइंट छोड़ा तो ये कोहरा शुरू हो गया। और इतना खूबसूरत लगता है ना दिन में, तो कहना ही क्या, ऐसा लगता है कि सच में आप ना किसी वंडरलैंड में ही आ गए हैं, किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं।
मैं बार बार ये शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन ना ये शब्द भी सच है, ये अपने मन की फीलिंग बता रहा हूँ। तो देखिए कितना सुंदर हो जाता है ये एरिया, कितना खूबसूरत लगता है जैसे ही ये धुंध आती है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा आगे आए तो धुंध के बादल थोड़े से छटने लगे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत है। जो सर्दियाँ हैं न्यूजीलैंड की बहुत ही मन लुभावनी है। आप आगे चल के देखिए, ट्री देखिए कितने यहाँ वाइट वाइट हो रखे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन पे अभी अभी बर्फ पड़ के हटी हो। और कितना खूबसूरत जो दृश्य पेश कर रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे ना, बड़ी स्क्रीन करके देखना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इन ट्रीज पे ना बर्फ दिखाई दे जाएगी। तो काफी सुंदर लग रहा है, सारा कुछ सफेद सफेद हो रखा है। यही है इस एरिया की खासियत। जैसे ही आप माउंट कुक ट्वाइजल एरिया में आते हैं, ये देख लीजिए, तो आपको ऐसा दृश्य यहीं पे देखने को मिलता है जहाँ पे वाइट ट्री हो चुके हैं। कितना खूबसूरत ये ना एक अपने आप में ही आपको दृश्य पेश करता है। जैसे ही लेक पुकाकी को क्रॉस किया तो सामने आ जाती है जी लेक टिकापू। लेक टिकापू का हमने पूरा वीडियो बनाया है, जो आप मैं लिंक दे दूंगा नीचे, अगर आपने देखना हो तो वो जाकर आप देख लेना। पर खूबसूरती जो है आपको रोड से भी इसकी दिखाई दे जाएगी। ये लेक जो है ना पहाड़ों के बीच में बसी हुई लेक है, और पहाड़ जो है बर्फ से ढके रहते हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये दुनिया की ऐसी जगह है, सामने पहाड़ देख लीजिए, ये लेक टिकापू के किनारे हैं। ये दुनिया की ऐसी जगह है जहाँ पे दुनिया के सर्वाधिक फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं शादी करने के लिए और यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं लेक टिकापू के किनारे। क्योंकि आप एरिया सामने आपको दिखाई दे रहा होगा जो पहाड़ आ गए हैं, ये लेक टिकापू का ठेकापो TEKAPO का एरिया है, काफ़ी खूबसूरत एरिया है। अगर खूब सारा पैसा हो ना तो यहाँ पे घर बना के रहे लेक टिकापू के किनारे। इतना सुंदर है ना, सुबह उठे और खिड़की से सामने का व्यू लेक टिकापू का हो, पहाड़ों का हो, और चाय पीने का ना मजा ही आ जाए यहाँ पे। ये बुरकस पास का एरिया शुरू हो गया है। जैसे ही आप लेक टिकापू से निकलते हैं तो बुरकस पास एरिया शुरू हो जाता है। तो इसी रोड से हम जब आए थे तो इसी रोड से ही आए थे, तो ज़्यादा कुछ दिखाने वाला नहीं है, इसीलिए रुकने की अभी हमारी कोई जो है अब मंशा नहीं है। हमने पीछे रुके थे, थोड़ा खा पी लिया, लेकिन शूट नहीं कर पाई, मुझे भूल गया कि मैं वीडियो भी बनाता हूँ। तो जैसे हमने अपना जो लंच कर रहे थे तो, लेकिन शूट कुछ भी नहीं किया, कोई बात नहीं, तो आगे जब भी रुकेंगे फिर शूट करेंगे। जो माउंट कुक का एरिया था ना वो पीछे रह गया है। जैसे जैसे हम क्राइस्ट चर्च की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्राइस्ट चर्च नज़दीक आता जा रहा है, माउंटेन्स हैं लेकिन कम दिखाई देते हैं, रोड जो है काफी प्लेन हो जाता है। शाम हो चुकी है, सूरज ढल चुका है और समय हो चुका है 5:16 का, और हम पहुंच चुके हैं जी मेफील्ड। जो हमारा होटल है अभी भी यहाँ से 1 घंटा 15 मिनट दूर है, और लगता है कि पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी आज। तो बस इतनी थकावट हो चुकी है कि बस किसी तरह होटल में पहुँच जाएं और वहाँ जाके आराम करते हैं। तो फाइनली जो है हम क्राइस्ट चर्च पहुँच चुके हैं। क्राइस्ट चर्च आप देख लीजिए, रात हो चुकी है, तो सीधा आपको होटल के रूम में जाके अब मिलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने क्राइस्ट चर्च वाले होटल में। आज तो बहुत टायर्ड हो चुके हैं, मैं आपको होटल का रूम दिखा दूं। तो ये ऐसा लगता है होटल का रूम, आप देख लीजिए,
एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, टीवी है, वहाँ पे छोटी सी माइक्रोवेव वगैरह है, और ये हमारा स्टाफ है। तो शावर ले लिया है, अब जाके जान में जान आई है, गर्म पानी वाला शावर, बहुत तेज गर्म पानी करके शावर लिया है। पीछे आप देख रहे हैं बच्चों का टीवी, इंटरनेट वाला, हमें टीवी मिल गया है, वाईफाई मिल गया है इस रूम में। तो हमने ऊबर ईट से ऑर्डर करके, ये देखिए यहाँ पे चल रहा है ऊबर ईट्स वाला जो फूड है, छोले भटूरे हमको मिल गए हैं ऊबर ईट वाले, तो वो हमने ऑर्डर करके यहाँ पे मंगवा लिए हैं। तो कलर मेरा पर्पल हो रहा है क्योंकि टीवी की लाइट की वजह से। तो अब मिलते हैं आपको सुबह, थोड़ा आराम करते हैं, एक दो काम करने वाले हैं वो भी कर लेते हैं, और उसके बाद आपको सुबह मिलेंगे।